गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, हाय तेरा तो रंग। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। नहीं, अमूमन जब नजर आती हो तो या गुस्से में होती हो या किसी चीज की शिकायत या फिर चिड़चिड़े मूड में, तो आज क्या हो गया है? असल में आज मैं बहुत खुश हूँ। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ यार, खुशी की राज हमारे साथ भी तो शेयर करें। मैं ना सोच रही थी हुसन आरा के बारे में, अगर उसकी शादी हो जाती है तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा कि वो अपने घर की हो जाए। इंशाल्लाह, और तुम सही कह रही हो, है तो हमारी जिम्मेदारी, तुम देख लेना, इंशाल्लाह अजीम और हुसन आरा की शादी जरूर हो। अच्छा ये छोड़ना, ये तो बताओ कि अभी अभी जो तुम गाना इतने प्यार से इतरा रही थी बिल्कुल साबिर भाई की तरफ, वो जरा गाकर तो सुनाओ। कौन सा? यही जो आप गुनगुना रही थी। गोरे तेरा रंग, गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा। अरे मैं कर लूंगी, मैं भी सुगड़ हूँ, मुझे भी करने दें, आ जाए। क्या परेशानी है, क्यों टहल रहे हैं आप इस तरह? अरे भाई मैं सोच रहा हूं कि अजीम से किस तरह बात की जाए। अभी जरूरत नहीं है आपको बात करने की। अरे आप क्यों बात करेंगे उससे, कहीं वो हत्ते से ना उखड़ जाए और गुस्से में अपनी बीवी को लेकर अमेरिका चला जाए, कह रहा था वहीं पर उसका अच्छा इलाज हो सकता है। किसकी बात हो रही है? मारिया की बात कर रही हैं, कह रही हैं कि अजीम उसे लेके अमेरिका चला जाएगा। जी वो रिपोर्ट्स तो डॉक्टर साहब को भेजे हैं, बस जवाब का इंतजार है। तुम्हें क्या लगता है कि इस हालत में उसे ले जाना मुनासिब होगा? अब्बा मियाँ ये तो उसकी मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है जो बहुत ही सीरियस है। अल्लाह मेरे बेटे अजीम पर और मेरी बहू पर अपना रहम फरमाए, दोनों ने बहुत परेशानियां देखी हैं। या अल्लाह मारिया को सेहत याब कर दे, उसको मुकम्मल सेहत अता फरमा, आमीन। आप ना शमीम एक काम करो, तुम बातों बातों में हुसन आरा से पता करो कि उसका क्या फैसला है, अगर हम उसका निकाह अजीम से कर दे तो। अरे कमाल कर रहे हैं आप, यानी मैं यहाँ पर मारिया की सेहत याबी की दुआएं मांग रही हूँ और आप है कि अजीम का रिश्ता कर रहे हैं हुसन आरा के साथ जिसे वो पसंद भी नहीं करता। माजरत से अम्मा भी, पसंद क्यों नहीं करता, पहले तो वो पसंद करता था, अब क्या बेचारी की सिंह निकल आए कि अचानक उसे पसंद नहीं करता। अरे जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अरे अजीब बातें करते हैं आप, ये क्यों बात करें, उसकी बहन है वो बात कर ले, मगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अजीम से भी बात करनी होगी हमें, असल मसला तो अजीम को मनाने का है। बताए ना इसमें से कौन सा सूट रखूं, ये वाला रखूं या ये वाला रखूं? ये दोनों ना टाइट हो गए। आप भी तो अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, जहां भी जैसे भी जितना भी मिलता है सब खा लेते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखें ना। डार्लिंग इतना आपको मेरा ख्याल है तो इस किस्म का खाना आप बना के दे दिया करें जिसमें मेरा पेट कम हो जाए। बेबी आपके लिए नई शेफ रखी तो है, लेकिन उसे कुछ आता ही नहीं, तो आप बना दिया करें। आपके ऊपर मैं करोड़ों रुपए लुटा चुका हूँ, जाया हो चुके, दो बिजनेस वो आपने खोल के ऐसे बंद करके आग लगाई है मेरे पैसों। आप इतना तो कर सकती हैं ना कि मेरे लिए खाना बना दे। कर तो सकती हूँ, बट यू नो ना मुझे घर के काम नहीं आते करने। मुझे पता है आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, छोड़ो। प्लीज ना आज मत, आई एम सो सॉरी। आते लगाओ, चल। मेरी जान मान जाए ना। अजीज ना 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 तो मुझे मोहब्बत नहीं करती ना 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 ना।
आजा पुत्र। ऐसे कैसे मुंह उठा के चले आ रहे हो बेटा, कोई मैनर्स ही सीख लो। वो दरवाजा खुला हुआ था तो वो बोल रही यार क्या है? डैड अब दुबई कब जा रहे हैं? यार तू ही चलना, साथ चलेंगे बाप बेटा, साथ सैर करेंगे, सिंगापुर भी चलेंगे। चल डैड, अगर आप इतना लंबा जाएंगे तो मेरा रिश्ता लेके कौन जाएगा? बेटा जी, हमारे पास एक इंतहाई नकम्मी फजूल अय्याश किस्म की औरत है ना, ये खड़ी है तेरे सामने, ओए तुमने इसका रिश्ता लेके जाना है। लेकिन डैड आपका होना भी जरूरी है ना। ओह यार मैं हो जाऊंगा ये फिक्र ना कर, तुम लेके जाओ इसका रिश्ता, समझ आई? और चली जाना तुम, जो मैं कह रहा हूँ। तो अपने डैडी को साथ लेके जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं इसका रिश्ता लेके जाने का। ओए जो मैं बोल रहा ना वो करना, समझ आई ना? अपनी तरफ से कुछ है भाई, बात सुन, दो साल का कह दे, आ जाके कह दे कि दो साल के अंदर हम शादी कर दे। दो साल इतना ज्यादा टाइम? बेटे दो साल नहीं तो क्या, कब करनी है तू बता, कल? नहीं कल नहीं डैड, लेकिन यही कोई 5-6 महीने। अरे चल ठीक है, फिर ऐसी शादी करेंगे, ऐसी तैयारी करूंगा यकीन कान कि पूरा पकस्ता होना शाश कर टूटेगा। नहीं डैड मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ। अरे शादी मेरी मर्जी से होगी, समझ आई ना? हाँ और सुनो, तू जाकर खड़ी शक्ल देख रही है, चल कपड़े पैक कर जाके। बाप और बेटे की लव स्टोरी खत्म हो गई हो तो मैं कुछ करूँ ना? यार मैं डरते ही। अच्छा डैड मैं आपको छोड़ने आऊंगा एयरपोर्ट। अरे हाय हाय मेरा तो बच्चा, मुझे छोड़ते जाएंगे, मेरी तो किस्मत खुल गई, मैं बगैर रहता कुछ कुछ पप्पी दे दे एक पप्पी, एक पप्पी। अच्छा आप रेडी हो जाए जल्दी से, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं पैकिंग करके आ रही। यार तू पता नहीं क्यों खड़ी रहती है। आप लोगों ने सोचा भी कैसे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं हुसन आ रहा तो क्या किसी और से दोबारा शादी करने का सोच भी नहीं सकता। तो फिर क्या करोगे, क्या इसी तरह से अस्पतालों के चक्कर लगाते रहोगे? तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा? तुमने सुन लिया ना कि डॉक्टर क्या कहते हैं? अहमद तक इंतजार करूंगा मैं। आप लोगों का कोई मसला है ना मारिया के साथ तो मैं उसे अमेरिका ले जाता हूं, लेकिन मैं मारिया से बेवफाई करने का नहीं सोच सकता। देखो अजीम, तुम इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और हम तुम्हारे बच्चों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, तो अपनी औलाद की खातिर तुम्हें हुसन आरा से निकाह करना होगा। इम्पॉसिबल। अरे अरे अम्मा भी क्या गजब करने जा रहे हैं आप लोग, मारिया जिंदा है, मरी थोड़ी है, बीमार है बेचारी, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। राजता मैंने सबको मना किया था कि यहाँ कमरे में मत आना, तुम क्यों आई हो? मैं तो बस चाय लेकर आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ मारिया पर सौतन लाने का प्लान चल रहा है। देख लें भाभी क्या जुल्म करना चाह रहे हैं मेरे और मारिया के साथ ही लो। तुम जाओ और ये चाय भी ले जाओ, जाओ जाओ। अजीम बैठो। अरे बैठो ना। देखो तुम इस वक्त गुस्से में हो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारे बच्चे किसी से नहीं संभल पा रहे, ये हुसन आ रही है जो उन्हें संभाल रही है, हम सब भी बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं हुसन आरा से शादी कर लूं? हुसन आरा की भी शादी तो हो जाएगी ना कहीं ना कहीं, वो ब्याह के चली गई तो तुम सोचो तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा, कौन संभालेगा? देखो डॉक्टर ने जो कुछ कहा है उसके बाद भी तुम्हें उम्मीद है कि मारिया कोमा से वापस आ जाएगी? देखो ना तुमने तमाम रिपोर्ट्स अमेरिका तक भिजवा दी, क्या फायदा हुआ? अगर मैंने मारिया से बेवफाई कर ली, शादी कर ली और वो होश में आ गई तो मैं तो उसको मुंह दिखाने काबिल भी नहीं रहूंगा। बेटा उसको बता देना कि बच्चों को अकेले संभालना मुश्किल हो रहा था, समझदार लड़की है वो, समझ जाएगी। मैं बच्चों के लिए कोई नैनी रख लूंगा, आप लोग परेशान मत हो।
देखो बेटा, हमारी जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब अल्लाह के पास चले जाए। तो मैं चाहता हूं कि इस दुनिया से जाने से पहले हम अपने बच्चों को आबाद कर दें, वो चाहे तुम हो या हुसनारा। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आबाद हूं, ये अभी जिंदा है। प्लीज इस टॉपिक पे अब आज के बाद कोई बात ना करें, प्लीज। चलो बस, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, क्या चक्कर चला रही हो तुम? इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुमसे कह दिया ना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है? मैं कह रही हूँ कि बच्चे को बुखार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये लड़ाई झगड़े तुम बाद में कर लेना, फिलहाल इसको लेके डॉक्टर के पास चलो, तप रहा है कब से। क्या हुआ इसे, कब से बुखार है? पता नहीं, सोया तो ठीक था, सो के उठा है तो रो रहा था, मैंने चेक किया तो 102 बुखार है। चलो इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। वाकई शादी की बात नहीं है? मैं क्यों कहूंगी, किसने कहा है तुमसे ये सब कुछ? देखो अजीम, एक बात कान खोल के सुन लो, मैं इन बच्चों से इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि ये तुम्हारे बच्चे हैं, और अगर मैं इनका ख्याल रख रही हूँ तो इसमें ना तो मेरा कोई मकसद है और ना ही कोई प्लानिंग। खुदा के लिए बच्चों से मेरी बेलौस मोहब्बत को लालच और मकसद का नाम मत दो। I'm sorry. चलो चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? चाय बना। तुम मुझे कह दिया होता मैं बना देती। तुम्हें कह देता था कि तुम्हें एक और ताना दे देती हूँ, पहले ही कह चुकी हूँ बूढ़ी औरतों की तरह तंज करता हूँ। कहो तो आज रात का खाना भी बना, ताकि तुम्हें लगे कि अगर मैं घर से बाहर कोई काम नहीं कर रहा तो कम से कम घर में कोई जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। प्लीज साबिर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बस मैं वो राहत की बातों में आ गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। कहे तो उठक बैठक कर दूं? अरे रहने दो, मजाक कर रहा। आपने मुझे माफ कर दिया ना, शुक्रिया। देख राजदाम, एक दूसरे के लिए हम दोनों ही दुआएं। हाशिम के जाने के बाद से हम दोनों बिखर चुके हैं, अब देखना यह है कि हम खुद से ही अपने आप को समेट पाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तकलीफें परेशानियां आती हैं इंसान की जिंदगी पे, लेकिन या तो वो इंसान को अल्लाह के करीब कर देते या फिर रामदा तरगा, फैसला हमें करना। ठीक कह रही हूँ, मैं वादा करती हूँ कि कभी कोई ऐसी बात नहीं करूँगी जिससे आपका दिल दुखे। आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। जहाँ आ रहा? अरे आ गई तुम, क्या कहा डॉक्टर ने? समीर कैसा है अभी? समीर बिल्कुल ठीक है, मौसमी बुखार है उसे। ये बताओ कि अजीम को किसने चुटकी ली है? क्यों, क्या हुआ? शोर मचा रहा था, कह रहा था कि मैं उससे शादी करने के लिए साजिशें करती फिर रही हूँ। साजिशें तो हो रही हैं, मगर वो तुम नहीं, हम कर रहे हैं। असल में मैंने और शमीम ने अम्मा भी और अब्बा मियाँ से बात की है तुम्हारे और अजीम के निकाह को लेके।
क्या? और तुम्हें लगता है कि अजीम मान जाएगा शादी के लिए? उसकी बीवी अस्पताल में पड़ी है, जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है और पता नहीं वापस आ भी सकेगी कि नहीं। उसके बच्चे बेचारे रोते फिर रहे माँ के लिए। उसका एक कदम अस्पताल में है तो दूसरा कदम घर में है। इतना परेशान है वो और तुम कह रही हो कि वो मुझसे शादी के लिए मान जाएगा? अरे क्यों मुझको झूठी तसल्ली दे रही हो बहना? क्यों दोबारा से वही ख्वाब दिखा रही हो जो कि पहले ही चकनाचूर हो चुके हैं? अगर इतनी ही मायूस हो गई हो तो अजीम की मोहब्बत का भूत सर से उठा के फेंक क्यों नहीं देती? ये इश्क का भूत है, किसी तावीज किसी मन्नत से नहीं जाएगा। और अगर उतर भी गया ना तो अपने साथ जिंदगी के सारे रंग लेकर उतरेगा। और फिर रह जाएगी बस एक भटकती रूह और एक बेचैन जिस्म। अब ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूं समुंदर में जो तूफान बरपा था उसमें ठहराव आ गया। लहरें सुकून में है। हाँ, कभी सोचा नहीं था कि इस इश्क मंजिल पर भी ले आएगा कभी। उसकी चाहत से उसकी औलाद से मोहब्बत सी हो गई है मुझे। हाँ सुकून में हूं अब मैं। वो मिले ना मिले कोई कम नहीं। अब उसकी चाहत नहीं है, चाहत है तो बस इतनी कि वो खुश रहे और मेरे सामने रहे, बस इसी में मेरी खुशी। कि मैं आपको निकाल दूं? एक मिनट, एनी का वेट करने। ओके। मैम को बुला लिया? जी सर बुलाया, आ रही। वो आ गए हैं। एनी। वाओ इतनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। शुरू करो। ओ माय गॉड, स्नो ऑयल। क्या नाम है शेफ का? अयाज। अयाज, अयाज, जी मैम। क्या तुम मेरे भाई को मारना चाहते हो? नहीं। तो फिर क्या बीमार करना चाहते हो? जी नहीं। तो इतना ऑयली खाना क्यों बनाया है? नेक्स्ट टाइम इतना ऑयल होगा ना मैं ग्लास में भर के तुम्हें पिलाऊंगी, समझे? नाउ लीव। आई सेड लीव। बेटा आप अंदर जाओ, इसे इंग्लिश नहीं आती है। क्या नाम है? माजबीन। माजबीन नाम है इसका। या या व्हाटएवर। माजबीन, look at the amount of oil here. Don't you care about your husband's health? Oh God, don't tell me isko bhi English nahi aati. No, I completely understand what you're saying. I'll take care of it. Thank you. Annie, tum relax karo na. क्यों खुद को भी परेशान कर रही हो? और मैं परेशान कर रही हूं? इतने टाइम बाद हम लोग बैठ के डिनर कर रहे हैं और मैं परेशान कर रही हूं?
No, that is not what I meant. मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर. बहुत टाइम हो गया हम दोनों ने बैठकर साथ में खाना खाया हो. I really missed you. Yeah, I missed you too. Please have this Smith & Oily. Yes, I'll have this. पांच पिन, please. मैं खाल निकालती हूँ. आप को राइस दो. ठीक है. राष्टा, फोन करके पूछो ना कि डॉक्टर क्या कहता है, किस हाल में है बच्चे. तू ठीक है अम्मा भी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग अजीम भाई से क्यों छुपा रहे हैं बच्चों की बीमारी का. बेटा, वो सारी रात अस्पताल में लगा के आया है मारिया की वजह से. तो अगर वो सो रहा है तो उसे सोने दो, मत जगाओ. लो आ गया. ये भाई हॉस्पिटल जा रहा था. अरे कहाँ जा रहे हो भाई? जी हॉस्पिटल जा रहा था. खैरियत है? बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चों को अचानक से तेज बुखार हो गया. क्या? मुझे किसने बताया कि नहीं? बच्चे कहाँ हैं अभी? वो जहाँ आरा और हुसैन आरा सामिर के साथ उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई. जब मैं आया तो बिल्कुल ठीक थे. वो वायरस चल रहा है ना, तो सभी बीमार पड़े. चले भाई मुझे लेके चले. कहाँ लेकर गए बच्चों को? अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ परेशान क्यों हो रहे हो? बस आने वाले ही होंगे वो. बैठो तो बैठो. हॉस्पिटल जा रहा था. अजीम कुछ देर को बैठ जाओ, तुमसे बात करनी है. देखो अजीम, हम ये चाहते हैं कि तुम हुसैन आरा से शादी कर लो. देखो बेटा, तुम्हारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, माँ के बगैर नहीं पल सकते. हमारा फैसला तो यही है, हमारे ख्वाहिश भी ये है कि तुम हुसैन आरा से शादी कर लो. और बेटा ये फैसला तुम्हें आज ही करना होगा. अम्मा भी ठीक ही कह रही है ना, तुमने तो यार हुसैन आरा को बच्चों की मीट बनाकर रख दिया है. आप लोगों से मेरे बच्चे सवाल लेने जा रहे हैं, अपना अफसोस हुआ मुझे. ऐसी बात नहीं है अजीम भाई, मैंने तो खुद बहुत कोशिश की, मगर घर की इतनी जिम्मेदारी है कि बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते. देखो बेटा, अब मैं इस उम्र में बच्चों के पीछे नहीं भाग सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है. और जहारा भी काम में लगी रहती है, बच्चों को एक माँ की जरूरत है, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए. अरे अम्मा भी बिल्कुल ठीक कह रही है. अच्छा तुम खुद सोचो, अब एक बार हुसैन आरा से निकाह कर लोगे तो जाहिर सी बात है वो और दिलो जान से बच्चों की परवरिश करेगी. और वैसे भी बच्चों को हुसैन आरा ही संभाल रही है. देखो अजीम, मारिया के इलाज पर तुम पैसा पानी की तरह बहा रहे हो. मैंने माना कि तुम्हारा बैंक बैलेंस है, डॉलर्स में है, लेकिन डॉलर्स क्या है? अरे भाई इस काम में तो कानून का खजाना खत्म हो जाता है. अगर तुम यूं ही बच्चों और अस्पताल में लगे रहोगे तो दूसरे काम कैसे करोगे? और जब बैलेंस खत्म होने लगेगा तो क्या करोगे? बच्चे देखोगे या मारिया को अस्पताल में देखोगे या अपनी सेहत और रोजगार का ख्याल करोगे? बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अब्बा मियां. इस घर के हालात आपके सामने है कि इस वक्त यहाँ पैसों की कितनी कमी है. ये क्या बात है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं हुसैन आरा से निकाह कर लूं. बेटा यही सबसे बेहतर फैसला है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बच्चों के लिए. बस अब फैसला हो गया कि इस जुमे को तुम्हारा और हुसैन आरा का इंतहाई सादगी से निकाह कर दिया जाएगा. नहीं अब्बा मियां, मैं ये नहीं करूं. अगर नहीं कर सकते ना तो फिर मेरा मरा मुंह देखोगे. चाहता हूं इस मुश्किल में फंस गया हूं माजरत से, लेकिन जब से तुम आए हो ना इस घर में मुसीबतें ही लाए. शमीम तुम जाओ यहां से, मैं बात कर लूंगी. ठीक है अम्मा भी,
तो फिर मैं भी उस नारा से साफ साफ कह देता हूं कि आइंदा से वो अजीम के कोई काम नहीं करेगी, ना कपड़े धोएगी, ना प्रेस करेगी, और खास तौर पर बच्चों की देखभाल तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। जब इसे सारे काम खुद करने पड़ेंगे ना, तब कदर आएगी इसे हुस्ना रखी। अजीम भाई, सच्ची बात तो ये है कि मैं भी इस निकाह के हक में नहीं थी, लेकिन अब सारी सूरत हाल देख के मुझे लगता है कि आपको हाँ कर देनी चाहिए। घर की बच्ची है, अच्छी तरह से दोनों रिश्ते निभा लेगी, माँ का भी और बेबी का भी, और वैसे भी आपसे प्यार भी तो बहुत करती है। देखो असीम, हम दोनों अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, हमारे वजूद में अब इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने बच्चों की तकलीफ देख सकें। हमारे मरने से पहले हमारी ये बात मान, वरना इस तरह अगर हम चले गए फिर तो हमारी रूह को भी सुकून नहीं मिलेगा। मोहब्बत सी सरगम है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बनके अंधेरों में हमेशा साथ चलती है। जो मिट जाए मोहब्बत में तो जन्नत भी दिखाती है, कई रंगों में मिलती है, वफा के गीत गाती है। दुआ है मोहब्बत, वफा है मोहब्बत, अदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैंने तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी। हुसन आरा और अजीम की शादी तय हो गई है। कैसे? अरे तुम्हें बताया तो था कि किस तरह हुसन आरा अजीम और उसके बच्चों का ख्याल रखती है। अच्छा सुनो, तुमने और हारिस ने जरूर आना है, ठीक है? मैं हारिस को भी फोन कर दूंगी। अपना ख्याल रखना। चले अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो कुछ कहना है आपसे। जी बताएं। आप प्लीज ऐनी की बातों का बुरा ना मानिएगा, बहुत लाडों में पली, थोड़ी केयरलेस सी है, बोलती रहती है बगैर ये सोचे समझे हुए कि सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। आई अंडरस्टैंड। आपको बुरा लगा? क्या नहीं लगना चाहिए? नहीं, आई एम सॉरी। अच्छा सुने, वो अभी अम्मी से बात हो रही थी, अम्मी बता रही थी कि आरा और अजीम चाचू की शादी तय हो गई है, तो शायद हमें घर जाना पड़े। ठीक है, ऐसी खबर है कि तुम पागल हो जाओगे। सही, क्या हुआ है? अरे भाई, अजीम तुमसे शादी करने के लिए मान गया है। क्या? हाँ। नहीं नहीं, तुम मजाक कर रही हो ना? मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगी भला, मैं सच कह रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ भाई, बिल्कुल सच कह रही है, अजीम वाकई मान गया है। आप लोगों ने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की उसके साथ? वैसे अगर जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ती ना तो वो भी कर ले। तुम हमारी बहन हो, तुम्हारी जिंदगी का मामला है। भाई उसे अपने बच्चों की खातिर ना मानना ही पड़ा, तो उनसे प्यार जितना करती हूँ, और फिर तुम्हारी खिदमतें रंग ले आई, अब तुम्हारे सबर का फल मिलने जा रहा है।
अच्छा मैं चला मिठाई लेने, पूरे मोहल्ले का मुंह मीठा करूंगा। और मैं शुक्राने की नफल अदा कर करा प्यारी पे। से कैसे मान गया अजीत, कल तक तो वो गुस्से हो रहा था इतना और आज शादी के लिए मान गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं फोन करती हूँ अजीत को। अरे फोन उठाओ अजीम। फोन ही नहीं उठाता ये। खुदा के लिए मारिया वापस आ जाओ। देखो ये क्या होने जा रहा है, तुम्हारा अजीम किसी और का होने वाला है। कुछ तो करो, होश में आओ, होश में आओ मारिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मजबूरी इंसान को इस हद तक ले आती है कि वो कुछ ना कुछ करने पे मजबूर हो जाता है जो वो सोच भी नहीं सकता। मुझे माफ कर देना मारिया, मुझे माफ कर देना इस बेवफाई के लिए, मुझे माफ कर देना। बच्चों की खातिर, घर वालों के प्रेशर में आके ये मुझे करना पड़ रहा है। यकीन जानो मैं बेवफा नहीं हूं, मैं बेवफा नहीं हूं। अब तो परेशान मत हो, अब तो हो रहा है ना निकाह? हाँ हो तो रहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान। अब क्या मसला है तुम्हें? मेरा बेटा, मेरा अजीम खुश नहीं है इस निकाह से। रात को गया था अस्पताल, वहीं पर रहा रात भर, और अब शाम होने को आई है, अभी तक घर वापस नहीं आया। आ जाएगा, आ जाएगा। वो गई है ना हुसनारा अस्पताल, वो वहां रुकेगी, अजीम यहाँ आ जाएगा। आप समझ नहीं रहे, हमारा बेटा अजीम हमसे खुश नहीं है, और मैं तो ये कहती हूँ कि एक दफा जरा फिर सोच लें कि ये जो फैसला है ये सही है या गलत। देखो अब तो मुझे गुस्सा दिला रही हो, बेहतर यही है कि इस फैसले पर मजीद सोच विचार न किया जाए, इस पे फौरन अमल कर दिया जाए। सुनारा अगर किसी बात पे नाराज होके इन बच्चों को और अजीम को छोड़ दे इनके ऊपर, तो फिर इनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा बच्चों की? तुम संभाल सकती हो? कहां से आप ये अजीब बात कर रहे हैं, मुझ में कहां दम है इनको संभालने का? तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी बब्बें ये जिम्मेदारी पूरी कर सकेगी? नहीं। नहीं ना, तो बस इसका सिर्फ एक ही हल है इन परेशानियों का, जो अजीम की परेशानी अगर हमें दूर करनी है तो जल्द से जल्द उस नारा से उसका निकाह कर दिया जाए। मैं करता हूँ फोन, पूछता हूँ उससे अभी तक आया क्यों नहीं वो। आयान तुमने इस आर्किटेक्ट को पेमेंट भेज दी थी, क्यों नहीं भेजी अभी तक? सॉरी यार मैं भूल गया था। क्या अजीब इंसान हो यार तुम, ऐसे कैसे भूल सकते हो? डैड ने तुम्हें 10 दफा कहा था कि उसको टाइम पे पेमेंट रिलीज करना, अब उसके लोचे कौन संभालेगा? मैं बात कर लूंगा उससे। जी तो चाह रहा था उसके घर जाकर 2 कान के नीचे लगाऊं उसे, लेकिन क्या करूं, प्रोजेक्ट फंसा हुआ है। प्रोजेक्ट के बाद देख लूंगा उसे मैं। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, हर बात में लड़ना जरूरी होता है क्या? ओ मुन्ने ये तुम्हारा आशिकों वाला प्यार ना बिजनेस में नहीं चलेगा, तुमने प्यार करके देख लिया ना कितनी चक्की पीसनी पड़ती है। फिर ये दुनिया वाले प्यार की जबान नहीं समझते, डंडे की जबान समझते हैं, डंडे की, समझे? और हाँ अपनी इस लैला से फुर्सत मिल जाए ना तो काम पर ध्यान दो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं इस चीज का, समझे? अच्छा जाओ, हर वक्त मजरू बने फिरते हो यार, परवाह ही नहीं है काम होगी।
पता नहीं क्या चीज है ये लोग, अजीब मखलूक है ये माँ बेटा। महाबत सतरंगी।